गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर नेहा खरे फ्रॉम SIRT कॉलेज भोपाल। पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था? बैकलाइट प्लास्टिक। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इन प्लास्टिक्स एंड टेफ्लॉन प्लास्टिक। ओके, टेफ्लॉन प्लास्टिक क्या होते हैं, उनका यूजेस, प्रॉपर्टीज वगैरह, हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो टेफ्लॉन प्लास्टिक क्या होता है? जनरली हम इसका अपनी डेली रूटीन में यूज किया जाता है। टेफ्लॉन प्लास्टिक्स के जितने भी प्लास्टिक्स हैं, हम उनका डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उनमें से ही एक है टेफ्लॉन प्लास्टिक। क्या होता है? टेफ्लॉन इज अ फ्लोरोकार्बन सॉलिड्स एज इट इज़ अ हायर मॉलिकुलर वेट। इट इज़ अ हायर मॉलिकुलर वेट कंपाउंड कंसिस्टिंग होली ऑफ कार्बन एंड फ्लोरीन। ओके, फ्लोरीन के हाईली कार्बन के कंटेंट होते हैं। एंड इट इज़ अ प्लास्टिक लाइक सब्सटेंस विच इज द प्रोड्यूस्ड बाय पॉलीमराइजेशन टेट्राफ्लोरोइथिलीन। टेट्राफ्लोरोइथिलीन के थ्रू ही इनका फॉर्मेशन होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं प्रिपरेशन में कि टेट्राफ्लोरोइथिलीन कौन कहाँ पर है। टेट्राफ्लोरोइथिलीन ये है TFT, तो हम शॉर्ट में बोलते हैं TFT। तो TFT क्या होता है? टेट्राफ्लोरोइथिलीन। टेट्राफ्लोरो क्यों है? क्योंकि इथिलीन मॉलिक्यूल्स में टेट्राफ्लोरो है। फ्लोरीन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 4 मॉलिक्यूल्स हैं। तो टेट्राफ्लोरोइथिलीन व्हेन वी पॉलीमराइजेशन के थ्रू जब हम टेट्राफ्लोरोइथिलीन को रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा? पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन। तो टी एफ टी के बाद क्या बनेगा? PTFE, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। ओके, इथिलीन मॉलिक्यूल्स में टेट्रा ही रहेगा, बट इसका जब हम होल मॉलिक्यूल्स लेंगे, एन मॉलिक्यूल्स लेंगे, तो इसका होल मॉलिक्यूल्स बनेगा, रिएक्शन करेगा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू। ये सारा मॉलिक्यूल्स ऐड होता जाएगा, और ऐड होने के बाद क्या बनेगा? ये टेफ्लॉन प्लास्टिक बनेगा। इसका नाम है टेफ्लॉन भी इसको बोला जाता है ना। तो टेफ्लॉन प्लास्टिक आपको पता चला कैसे बनता है? इथिलीन मॉलिक्यूल्स में जब हम फ्लोरोइथिलीन के कंटेंट लेते हैं, फ्लोरीन के कंटेंट लेते हैं, टेट्रा मॉलिक्यूल्स लेते हैं, टी एफ टी क्या है? टेट्राफ्लोरोइथिलीन के एन मॉलिक्यूल्स लेंगे तो पॉलीमराइजेशन के थ्रू क्या बनेगा? टेफ्लॉन बनेगा। टेफ्लॉन की प्रॉपर्टीज देखेंगे हम यहाँ पर। हायर डेंसिटी, इनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। एक्सीलेंट टफनेस एंड हीट रेजिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट है नॉन अडहेसिव कैरेक्टर्स, इनमें रेजिस्टेंस की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है। फिर रहेगा इसका एप्लीकेशन, कहाँ इसका एप्लीकेशंस यूज होता है? वायर एंड केबल इंसुलेशन, वायर और केबल इंसुलेशंस में भी इनका यूज किया जाता है। कोटिंग ऑफ नॉन स्टिक पैन, जनरली हम देखते हैं कि जो टेफ्लॉन प्लास्टिक होता है डेली रूटीन में, वो जो नॉन स्टिक कुकवेयर होते हैं उनमें ही इनकी कोटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनका हायर टेम्परेचर रहता है। इनका टेम्परेचर 600 के समथिंग रहता है। ये जो टेम्परेचर रहता है इसका 600 डिग्री सेंटीग्रेड के समथिंग रहता है। तो ये 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गेन करता है, इसके पहले ये डिजॉल्व नहीं होगा, ये पिघलता ही नहीं है। इसलिए इसका जनरली हम डेली रूटीन में इनका यूज़ करते हैं। नॉन स्टिक पैन, कोई भी आपका घर के यूटेंसिल्स जितने भी होते हैं नॉन स्टिक पैंस, उन सब में कोटिंग टेफ्लॉन की ही होती है। इंसुलेटर्स फॉर मोटर्स, मोटर्स में जो इंसुलेटर्स लगे रहते हैं उनकी कोटिंग भी टेफ्लॉन प्लास्टिक से होती है, ताकि जो अगर नॉर्मल टेम्परेचर या नॉर्मल आपको वायर में कहीं भी टेम्परेचर अगर मिलता है तो वो तुरंत ही ना पिघले या ना जले। जनरेटर्स, कॉइल एंड कैपेसिटर्स, इनमें की इनकी कोटिंग भी, जो कैपेसिटर्स होती हैं, कॉयल्स होते हैं, डिफरेंट तरह के कॉयल्स होते हैं, हार्ड भी बनते हैं, लाइट वेटेड भी बनते हैं, तो उनमें उनकी कोटिंग करने के लिए भी टेफ्लॉन प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। आई थिंक आपको ये टॉपिक भी समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा PVC। तो नेक्स्ट टर्म में हम PVC डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, गुड डे।